हेलो फ्रेंड्स, आज मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पाई चार्ट। तो ये जो पाई चार्ट है वो ग्राफिकल सेक्शन का है, वो जिसमें एक तो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं और दूसरा आता है पाई चार्ट जो सर्कल बेस्ड रहता है। सर्कल में भी दो टाइप का रहता है, एक जो रहता है एंगल एंगल वाला और दूसरा है परसेंटेज वाला, जिसमें परसेंट एंगल जो है परसेंट के रूप में दिया रहता है। तो दोनों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। इसमें एक ही टॉपिक से 4 या फिर 5 क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछ लिया जाता है। तो ये मार्क्स आपको इंक्रीज़ करने में मदद करेगा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में। और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि इसमें ओनली कैलकुलेशन ही है, आपको देख के कैलकुलेशन ही करना है, आपको चार्ट को देखना है और आपको कैलकुलेशन करना है, और एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आप हम एक एक जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा इसका डिस्कस कर लेते हैं इस पर, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं ये पाई चार्ट जो होता है कितने प्रकार का होता है। ये 2 टाइप का होता है पाई चार्ट। एक होता है एंगल वाला, दूसरा होता है परसेंट वाला। तो देखते हैं, ये जो होता है पाई चार्ट एक सर्कुलर सर्कल के बेस पे होता है। सर्कल पे कुछ एंगल्स दिए रहते हैं, सर्कल को कुछ सेक्शंस में बांटा जाता है, और कुछ या तो यहाँ पे एंगल्स रहेंगे जैसे 30, 40, 60, 90 और 20, ऐसे कुछ है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे परसेंटेज वाले में क्या होता है, आपको कुछ परसेंटेज दे दिया जाता है, 5%, 10%, 11%, 15% या 80%, कुछ भी हो सकता है। ऐसे एक दे दिया जाता है आपको एक सर्कल, और ये परसेंटेज रहता है, परसेंटेज बेस्ड बोलते हैं इसको। इसको एंगल बेस्ड पाई चार्ट बोलते हैं, इसको परसेंटेज बेस्ड पाई चार्ट बोलते हैं। तो देखते हैं इन दोनों की खासियत क्या है। देखो इसमें होता क्या है, आपको कुछ नहीं, आपको केवल एक ही चीज़ निकालनी होती है इसमें। इसमें आपने अगर इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, एक सेंटर पे जो एंगल बनेगा टोटल एंगल, उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी जो सेंटर की एंगल की वैल्यू होगी 360। और इसको जो सेंटर में टोटल एंगल मतलब टोटल परसेंटेज कितना होगा, तो टोटल परसेंट होता है 100%। तो जो यहाँ पे आपको 1% आप निकालना सीख गए, सॉरी यहाँ पे 1 डिग्री निकालना सीख गए और यहाँ पे आप 1% निकालना सीख गए, तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। तो 1 डिग्री कैसे निकालते हैं देखते हैं। यहाँ पे जो टोटल होता है, टोटल जो वैल्यू होगी आपकी, उसको डिवाइड करना है आपको 360 से, तो 1 डिग्री आपका निकल जाएगा। और ऐसे ही 1% परसेंटेज वाले क्वेश्चन में टोटल जो वैल्यू होगी इसकी, टोटल वैल्यू, उसको डिवाइड करना है आपको 100 से, तो हो जाएगा 1% निकल जाएगा। देखो कभी कभी ये होता है कि टोटल ना दे के किसी पर्टिकुलर एंगल को दिया जाता है, तो उसका 1% कैसे निकालते हैं। तो जो एंगल की वैल्यू है वो, और जो उस एंगल पे जो दिया गया है, जो क्वेश्चन में आपको अमाउंट या कुछ भी दिया गया है वो वैल्यू, वैसे करके आप एंगल से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। वैसे भी 1% इसी प्रकार परसेंटेज वाले में आपको उस वैल्यू और जो परसेंटेज दिया है उसको निकालेंगे तो फिर निकल जाएगा, अगर टोटल नहीं दिया जाता है तो। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन पे आप समझ जाएंगे कैसे बनाते हैं। तो हम पहले थीटा वाले
जो पाई चार्ट है उसको लेते हैं। उसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में कि परसेंटेज वाले जो पाई चार्ट हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो थीटा वाले देखते हैं हम। देखो इसमें ये जो है एक एक जो है पूरा एक खर्च खर्च के ऊपर एक बना हुआ है, ये पाई चार्ट है। ये जो है एक परिवार की खर्च है, एक फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है उसके बेस्ड पे एक पाई चार्ट है ये। तो ये क्या कह रहा है, देखो फूड पे भोजन पे जो है 120 डिग्री और रेजिडेंस आवास पे 105 डिग्री और बचत पे सेविंग्स पे 60 डिग्री, शिक्षा एजुकेशन पे 30 डिग्री, अदर पे 45 डिग्री। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो तीन चार क्वेश्चन हैं और बचत इसमें स्टार्टिंग में दे दिया गया है कि बचत सेविंग सेविंग आपका 8000 रुपीस है, ठीक है। तो यहाँ पे सेविंग दे दी गई है 8000 रुपीस। तो सेविंग ये आपको दिख रहा है, कितना एंगल दिख रहा है आपको, देखो सेविंग मतलब बचत में 60 डिग्री दिख रही है। तो 60 डिग्री तो आप पर्टिकुलर एक एंगल का वैल्यू दे दिया गया है, तो हम 1 डिग्री निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, वैल्यू कितनी है 8000 की, और ये कितना है 60 डिग्री। तो डिवाइड कर लीजिए आप, 2 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, 400/3। अब 1 डिग्री निकल गया है तो हमको क्वेश्चन तो अब ऐसे ही आसान हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं क्या कर रहा है, अब ऐसे ही बन जाएंगे क्वेश्चन। देखिए शिक्षा पर व्यय किया गया है, देखो शिक्षा पर कितना व्यय किया गया है पूछ रहा है। यहाँ पे हमको दिख रहा है वीडियो में कि 30 डिग्री व्यय किया गया है और हमारा जो है 1 डिग्री का वैल्यू मालूम है, तो 30 डिग्री आप निकाल सकते हैं 1 डिग्री × 30 करके। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना है, 400/3। 30 कितना हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 3 से आप डिवाइड इसको कर लीजिए 10 बार में, तो हो जाएगा 4000। और ये जो आंसर सी है हमारा आंसर है, ठीक है, 4000 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भोजन पर किए गए व्यय का बचत से अनुपात क्या है। रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ फूड एंड सेविंग्स, तो फूड और सेविंग्स का रेशियो जो है क्या होगा। तो फूड और सेविंग्स के आप एंगल्स देख लीजिए और एंगल्स ही उस देखिए पहले क्या कहते हैं, फूड और सेविंग्स। देखो यहाँ पे फूड फूड के लिए है 120 और सेविंग्स सेविंग्स कहाँ पे, यहाँ बचत के लिए 60 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री और 60 डिग्री इन दोनों का रेशियो लेंगे। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू का रेशियो लेते हैं, लेकिन ये वैल्यू क्या है, वैल्यू तो उसी के अकॉर्डिंग रहेगी ना, 120 डिग्री है। तो देखो रेशियो जो होगा फूड और सेविंग्स का, तो 120/60। तो यहाँ पे जो 120 डिग्री का जो भी वैल्यू होगा 1 डिग्री से निकालेंगे और यहाँ पे भी 1 डिग्री से निकालेंगे, तो वैल्यू तो हमेशा कटेगी ना, तो हम डायरेक्टली ही डिवाइड कर सकते हैं। तो 60 ये तो 2/1 हो जाएगा, माने 2:1 बी आंसर है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 3 पे आते हैं। परिवार का महीने का कुल व्यय कितना है, तो फैमिली का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, मंथली टोटल एक्सपेंडिचर कितना है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में क्या कह रहा है, जो टोटल माने आप क्या हो गए, पूरा टोटल मतलब ये जो 360 है आपको निकालना है, 1 डिग्री का आपको मालूम है 400/3, तो 360 का निकाल सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर
इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, और 1 डिग्री का अपने को मालूम है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 400/3, तो 3 से कट जाएगा ये, 3 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 120, 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 48,000 आ जाएगा। तो 48,000 आंसर भी हमको दिख रहा है। अब फोर्थ, इसी प्रकार से हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भोजन पर आवास की तुलना में कितना अधिक धनराशि व्यय की गई है? तो फूड पे रेजिडेंस के कंपैरिजन में हाउ मोर अमाउंट एक्सपेंडिचर किया गया है, तो देखते हैं फूड पे कितना गया है और आवास पे। देखो फूड जो है, 120 डिग्री का है और रेजिडेंस जो है 105 का है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, वन ट्वेंटी डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अब उसकी वैल्यू पूछा है, तो 1 डिग्री का आपको मालूम है, तो वन इसको मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू निकाल लीजिए। 15 डिग्री है, 400 इसका 1 डिग्री का है, 400/3, तो कितना हो जाएगा, 3 से कटा लीजिए 5 बार में, और 5 से फिर, तो ये हो जाएगा 2000 रुपीज़। तो आंसर सी हमारा एक आंसर है। तो देखिए हमने पाई चार्ट कितना सिंपल हो गया, आपको 1 डिग्री आपको निकालने से ही कितना ये सिंपल हो गया। तो पेपर में भी जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई टाइम टेकिंग वाली बात नहीं है। हम डायग्राम देखेंगे तो बड़ा सा दिखता है, लेकिन टाइम टेकिंग नहीं है, बल्कि ये स्कोरिंग टॉपिक है। तो आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस पेपर से, और वीडियोस पे इस चैनल पे हमारे बने रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अब हम जो है आगे भी इसके, अब परसेंटेज वाले जो टॉपिक पे पाई चार्ट जो है उसको लेके आएंगे अगले टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद दोस्तों।